चलिए देखिए ध्यान से। अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सेकंड है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल लास्ट, मतलब पार्टिकल फॉल फ्रॉम द हाइट 80 मीटर। तो ये जो है, ये हाइट आपकी 80 मीटर है और u की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कवर पार्किंग लास्ट सेकेंड, सेकेंड है कि टाइम टेकन बाय पार्किंग लास्ट मीटर, हाइट ऑफ पार्किंग इन 2 सेकेंड। ये तमाम सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग कर रहे हैं। ये बताओ कि लास्ट सेकेंड, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, कितना टाइम लेगा ये। तो ये बताओ टाइम निकालने के लिए क्या क्या डाटा तुम्हारे पास है। एक तो जो है यू की वैल्यू दी गई है, हाइट दिया गया है, और टाइम कैसे निकालोगे बताओ। क्या लगाओगे, इन तीनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, फिर से समझो। एच दिया है, टी निकालना है, और जी हमें मालूम ही है, कौन सा लगाओगे। सेकेंड लगेगा यार, तीन है इसमें भी नहीं समझ पा रहे हो। H इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस, H जगह क्या रखोगे, 80 रखोगे, U की जगह जीरो, नीचे आ रहा है तो प्लस की माइनस, प्लस डाउनवर्ड्स जाएगा तो प्लस लेंगे, G की वैल्यू 10, टी स्क्वायर। तो बताओ टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन कह रहे हैं लास्ट सेकंड, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड। तो लास्ट सेकंड कौन हुआ, 4th सेकंड हुआ आपका। तो कौन सा फॉर्मूला अब यूज करोगे, एच टी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस 2t माइनस। तो बताओ u की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस g की वैल्यू, और यहाँ t की वैल्यू 4 माइनस। तो बताओ ये 5, 8 में से सेकेंड क्वेश्चन देखो, टाइम टेकन विद पार्टिकल लास्ट मीटर, ये बताओ कैसे करोगे। ये आईटी में एक बार आया था बहुत पहले, तब से कहीं रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन ये, बताओ कोई। लास्ट मीटर बोलो, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 80 मीटर है, और यू की वैल्यू क्या है, हमें निकालना क्या, टाइम, और कब निकालना है, लास्ट मीटर। लास्ट मीटर कौन सा मीटर हुआ, 80वां मीटर हुआ, 79 के बाद वाला मीटर हुआ। तो कैसे निकालोगे, कौन सा, ये जो फॉर्मूला है एच टी इज इक्वल टू लास्ट सेकेंड का है, लास्ट मीटर का नहीं है, किसका है, ये हाइट निकालने का है और लास्ट सेकेंड का है। और यहां क्वेश्चन क्या है, लास्ट मीटर में टाइम निकालना है, वो नहीं लगेगा। तो कैसे निकालोगे बताओ, इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक पूरी हाइट का हमने टाइम ले लिया क्या, t1, और 1 मीटर यहाँ से निकाल दो तो कितना मीटर बचा ऊपर, 79 बचा, यही अंतिम वाला तो 1 मीटर हुआ। तो ये t1 यहाँ से यहाँ तक ले लिया, और इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक ले लो t2, और ये जो हमें निकालना, इसका नाम दे दिया हमने t3। तो बताओ t3 कैसे निकालोगे, करोगे t1 माइनस, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पूरा t1 हो गया, ये t2 हो गया, तो t1 माइनस। अब t1 कैसे निकालोगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा। तो हम सीधे फॉर्मूला लग दे रहे हैं, अंडर रूट 2 h अपान जी,
माइनस टू एच अपान, फिर से समझ लो, ये जो फार्मूला हमारा है ये लास्ट सेकंड का हाइट निकालने का है, और ये जो क्वेश्चन हमारा है ये क्या पूछ रहा है, लास्ट मीटर का टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। ये लास्ट मीटर आपका ये 80वां मीटर लास्ट मीटर हुआ, इसमें कितना टाइम लेगा पार्टिकल। तो हमने क्या किया, पूरा टाइम निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये 79 मीटर का टाइम निकाल लिया, और इस पूरे टाइम में से इस टाइम को क्या कर दो, माइनस कर दो, ये टाइम आपको पता चल जाएगा। तो वही हमने किया, टी थ्री इक्वल टू क्या हो गया, टी वन माइनस, ठीक। तो उतार दे, एक बार आया था आईटी में, बाकी कहीं रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बड़े टेक्निकल हैं, मतलब मिर्ची हैं एकदम से, इसलिए ध्यान दिए रहना। ठीक, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया ना ये। सी क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये, हाइट ऑफ पार्टिकल इन टू सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड। अब ये कैसे निकालोगे बताओ, हाइट ऑफ पार्टिकल इन टू सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड, मतलब क्या हुआ, यहां से ये गिरा ये, तो यहां यू की वैल्यू क्या हो गई, ठीक, पूरा 80 मीटर है ये, दो सेकंड जब गिर गया तो कह रहे हैं ग्राउंड से कितनी हाइट है। तो मान लो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, यहां से लेकर यहां तक दो सेकंड ले लिया इसने, हमें ये हाइट निकालनी है, ये नहीं निकालनी है, ये निकालनी है। कैसे निकालोगे बोलो, ऊपर वाली हाइट निकाल लो, तो पूरी वाली हाइट में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई ये कह रहे हैं कि दो सेकंड हम ये हाइट तो निकाल सकते हैं ना, तो ये हाइट निकाल लें, और पूरी हाइट हमें मालूम ही है, तो कैसे करोगे बताओ। ये हाइट हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक टी वन है, और ये हमने मान लिया टी टू है। अच्छा, टी टू हमें निकालना ही नहीं, हमें तो हाइट निकालना है। तो ये बताओ कि ए से बी की बात करोगे तो क्या लगाओगे, H इज इक्वल टू यू टी हाफ जी टी, तो H की जगह अब H हमें निकालना, उसको हमने X ले लिया, ये टाइम नहीं, इसको हम X ले लेते इतने को, तो X इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या हुई, प्लस हाफ जी टी, तो बताओ कितना आ जाएगा ये,
ठीक, ये चार कितना मीटर है बताओ, तो ये इतना वाई मान लो, इतना ये, तो ये वाई की वैल्यू बोल दो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस इज इक्वल टू डी वाला देखो, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन हाफ डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, इसका क्या मतलब है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल हाफ डिस्टेंस, मतलब इधर देखो ये पूरा 80 मीटर है तो आधा कई मीटर हुआ बताओ, ये 40, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन हाफ डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब कि ये हाफ डिस्टेंस, यहां से टाइम तुम्हें निकालना ये वाला, तो ये टाइम कैसे निकालोगे बताओ, बोलो हमें ये टाइम निकालना है, कैसे टाइम निकालोगे, एक तरीका तो यह है कि यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी निकाल लो और वही इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी h बराबर ut प्लस हाफ gt। दूसरा मेथड यह है कि यहां तक का टाइम निकाल लो और पूरा टाइम निकाल लो, पूरे में से इस वाले टाइम को क्या कर दो, माइनस कर दो, पॉइंट क्लियर हो गया, फिर से समझो, हमें ये टाइम निकालने कह रहे हैं ये वाला ग्राउंड से, तो हम ये टाइम निकाल लें और पूरा टाइम निकाल लें और पूरे टाइम में से इस टाइम को क्या कर दो। दूसरा मेथड क्या है, यहां से यहां तक क्या निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी, और वही इसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और लगा दो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो हम पहला वाला मेथड कर रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक इतना ये हमने टाइम ले लिया t1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ले लिया t2, और ये इतना टाइम हमने ले लिया t3। तो ये बताओ पहली बात, t1 क्या हो जाएगा, वही आएगा अंडर रूट टू एच अपान, तो अंडर रूट टू एच की वैल्यू g की वैल्यू तो कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट क्या आएगा, और t2 वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट टू 80 अपान जी तो कितना आया, तो बताओ t3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t3 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस रूट, अब और सॉल्व करना चाहते हो तो ये 2 रूट 2 कर लो या रूट 8 की वैल्यू निकाल लो, ये सॉल्व कर लो 1.41 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, क्वेश्चन क्या था, हमने कहा ये सारे बहुत खतरनाक हैं, जरा जरा से हैं, एकदम मिर्ची टाइप के हैं, ये जरा दिमाग नहीं लगाओगे नहीं कर पाओगे। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि आधी डिस्टेंस गिर गया, तो जो ग्राउंड से आधी डिस्टेंस है उसमें टाइम कितना लेगा, ठीक, तो हमने क्या किया, पूरा यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल लिया, और पूरे टाइम में से इस टाइम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ओके। यही क्वेश्चन एक बार ऐसे आया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डिस्टेंस आपकी पूरी एक्स है, ये भी डिस्टेंस एक्स है, ठीक, ये टाइम टी वन है और ये टाइम टी टू है। फर्स्ट ऑप्शन टी वन ग्रेटर देन टी टू, सेकेंड ऑप्शन टी वन लेस देन टी टू, थर्ड ऑप्शन टी वन इज इक्वल टू टी टू, कौन सा सही होगा, कौन सा होगा बोलो, कौन सा होगा, चलो हिंट दे दे रहे हैं हम, अभी कल भी बताया था, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो टाइम, अब बताओ इसमें टाइम ज्यादा लेगा और इसमें टाइम, क्यों, क्योंकि जी कहां काम कर रहा, डाउनवर्ड्स काम कर रहा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो स्पीड जो बढ़ती जाएगी और उतने डिस्टेंस यहाँ है,
तो इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लेगा और इधर टाइम क्या करेगा, तो कौन करेक्ट है? और यही देखो यहाँ तो आ रहा है पूरा, यहाँ सॉल्व करोगे देखो यही आएगा वैल्यू। तो एक बार ये ऐसे पूछ लिया गया था, उतार लो इसको। चलिए फिर अभी हम आएंगे तो आपको पैसे देंगे, ठीक है? सामान भी है। बस इतने खतरनाक हैं, बाकी आगे नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। इनको बहुत ध्यान दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमने एक जगह इनको समेट दिया है पूरा। अब जिनको हो गया हो तो ये वाला करके बताओ क्या आएगा, ई वाला। हाँ, मतलब कि 2 सेकेंड पार्टिकल विल स्टॉप, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द रिमेनिंग हाइट। सभी लोग निकालो इसको। तो क्वेश्चन ये है, 2 सेकेंड गिरा और रोक लिया और फिर छोड़ दिया, तो जो नीचे टाइम है वो कितना ले रहा है? इस वाले क्वेश्चन में था, हमने पकड़ा नहीं था, वो गिर ही रहा था लगातार, ठीक। और इस वाले क्वेश्चन क्या है, गिराया, 2 सेकंड जब गिरा तो उसको ने पकड़ लिया, पकड़ के फिर से छोड़ दिया, तो जो नीचे वाली हाइट है, जो बची वाली हाइट है, उसमें कितना टाइम लेगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? इस वाले क्वेश्चन में पार्टिकल लगातार गिर रहा था, पकड़ा नहीं जा रहा था। इस वाले क्वेश्चन क्या हुआ, 2 सेकंड गिरा, पकड़ा, छोड़ा, फिर से छोड़ दिया और फिर गिर रहा है, तो जो नीचे गिर रहा है उसमें कितना टाइम लेगा? ठीक, कोई बता सकता है? इधर देखिए, मतलब ये हो रहा है, ध्यान दीजिए, इधर यहां से गिरा, u इज इक्वल टू 0 से, ठीक, A टू B एंड C, यहाँ तक टाइम जो है T इज इक्वल टू कितना ले रहा है? ये गिरा, यहाँ रोक लिया गया, रोक के फिर छोड़ा जा रहा, फिर जब छोड़ोगे तो यहाँ पे U की वैल्यू क्या हो जाएगी? इतने का टाइम बताना, ये कितना लेगा? 2 सेकेंड गिरा, 2 सेकेंड गिरने के बाद पकड़ लिया गया, फिर छोड़ दिया गया, टाइम निकालना, चलो उल्टा चलो, टाइम निकालने के हमारे पास 2 फार्मूले हैं। फर्स्ट वाला है b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, वो क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, बोलो, वो नहीं मालूम। अब आ जाओ तुम्हारे पास दूसरा कौन सा है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी, अब उसमें क्या है, हमें टाइम निकालना है, ठीक, तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब ये हाइट कहाँ से निकालोगे? क्या करोगे, हाइट कैसे निकालोगे?
हाइट निकालेंगे, पहले 2 सेकंड में ये वाली हाइट निकाल लो, बोलो, और 80 में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कैसे निकालोगे हाइट, ये इसको x ले लेते हैं, इसको हम y ले लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 0 + ½ gt² तो 2 का स्क्वायर करोगे, ये कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 - = अब क्वेश्चन तुम्हारा सीधा ये बन गया, इधर देखिए, क्वेश्चन अब ये बन गया कि सीधा ये हो गया आपका कितना 60 मीटर, और जब पकड़ के छोड़ा जा रहा है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, और निकालना टाइम आपको क्या लगाओगे, फॉर्मूला बता दो, h = ut + ½ gt, तो 60 = 0 ½ gt² तो t = क्या हो जाएगा, 60/ भाई ये 5 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट, बस। ये सारे क्वेश्चन डेंजरस क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे तो बिन क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ओके, बाकी अब आगे उतने खतरनाक नहीं। टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट आज है 3 बजे से, तो टेस्ट सीरीज वाला जरूर दिया करो, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 3 से 4 में है तो उसके बाद आगे दे दो, इवनिंग तक कभी भी दे दो टाइम जो मिले आपको। हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इधर देखिए क्वेश्चन ये है, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg फॉल फ्रॉम हाइट 80 मीटर। चलो ये हाइट आपकी कितनी दी गई है, 80 मीटर, फॉल कर रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ कोलिजन टाइम इन इज 2 सेकेंड, मतलब यहाँ जो कोलिजन टाइम हो कितना हो रहा है, 2 सेकेंड हो रहा है, एंड वेलोसिटी रिड्यूज 25%, और वेलोसिटी रिड्यूज कितनी हो गई, 25 हो गई। फर्स्ट करें चेंज इन मोमेंटम, एवरेज एक्सीलरेशन, सब निकालना है, तो हमें करना क्या है कि ये जो टकराया और टकरा के फिर ये क्या करेगा, ये आएगा यहाँ टकराएगा फिर ये वापस जाएगा, ये ठीक। तो हमें यहाँ पर टकराने की वेलोसिटी निकालनी है, वापस जाने की वेलोसिटी निकालनी, पहले हमें ये बताओ कि किस वेलोसिटी टकराएगा, कोलिजन वेलोसिटी इसकी क्या होगी, इसको हम नाम देते हैं B1। ये B1 कैसे निकालोगे पहले ये बता दो हमें। अभी तुम्हारे पास ये डाटा, इधर देखो U0 है, हाइट दी गई है, और B निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्लियर हो गया ना, B² = चलो ये तो क्लियर हो गया, B² = U² + -2g, तो B1² U की वैल्यू 0 हो गया, 2 हो गया, G हो गया, H हो गया, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अब ये जो ये हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं, ये B1 है और ये B2 है, ये B2 कैसे निकालोगे, अब ये टर्म ऐसे मिलेंगे कई जगह आपको, हीट में चल के मिलेगा, 25% रिड्यूज हो जा रही है, तो हमें रिड्यूज वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिससे वो ऊपर जा रहा है,
तो बताओ जो 25% निकल गया तो बचा कितना, 75%। अब दो रास्ते हैं, या तो इसका 25% निकाल दो और 40 में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, और या तो इसका 40 का सीधे क्या निकाल लो, 75% निकाल लो। जैसे कहते हैं 1/4 जो है नुकसान हो गया, तो 40 का 1/4 कितना हो जाता है, 10 आ जाता है, तो बचा 3/4 बचा। तो हम क्या करते हैं, इसको 40 में से 10 क्या कर दें, माइनस कर दें। फिर से समझो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसे 40 वेलोसिटी है और कहते हैं कि 1/4 नुकसान हो गई, तो इसको हमने 1/4 कर दिया तो कितना आया, 10 आया, कितनी बची, बची हमारी 40 - 10 = 30 बची। या हम इसको डायरेक्ट ये कर सकते थे कि 40 को 1/4 नुकसान हो गया तो कितना बचा, 3/4 बचा, ये देखिए तो कितना आ गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा, आगे भी टॉपिक्स मिलेंगे, कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हीट में चलोगे तो हीट में जो कोलिजन यहाँ पे हो रहा है हमें उसकी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। यहाँ हमें क्या हो रहा है, यहाँ मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम कोलिजन वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है, हमें ये दो वेलोसिटी चाहिए। ठीक, अब बताओ यहाँ कैसे फाइंड करोगे, यहाँ परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज देने के लिए B2 = B1 का कर दो सीधे, B1 का 75%, ये तो B1 हो गया 40 और ये आ जाएगा कितना, 3/4, तो बताओ कि 10 कितना आंसर आया। क्लियर हो गया, इस टर्म पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि अब ये आपको कई जगह मिलेगा। अब आ जाओ तुम क्वेश्चंस पे आ जाओ। फर्स्ट है चेंज इन मोमेंटम, अब मोमेंटम हम वेक्टर से ही आपको बता रहे हैं, चेंज निकालना है, तो चेंज निकालने के लिए हमने वहाँ बताया था, मान लो ये कोई पार्टिकल B1 वेलोसिटी जा रहा है, ये B2 से वापस आ रहा है, तो P1 मोमेंटम हमारा हो जाएगा MB1 और P2 मोमेंटम हो जाएगा MB2। जब हम चेंज निकालेंगे तो करते फाइनल माइनस इनिशियल, अब फाइनल हमारा MB2, इनिशियल हमारा MB1, ये जो माइनस है वो इसकी वजह से है, और ये जो माइनस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरे क्या लेंगे, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में चेंज निकालना हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो, तो एक को प्लस लेते हैं और एक को, या इसको जो उसको समझ में आता समझ लो दोनों ऐड हो जाता है, काम खत्म, दोनों क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। अब एक एक चीज़ों पे आ जाओ। फर्स्ट कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, तो सीधे सीधे आंसर समझ गए होंगे कि ∆P = आंसर तुम्हारा सीधे सीधे आ जाएगा। अच्छा यहाँ वेलोसिटी अलग अलग है, तो वेलोसिटी अलग अलग है तो क्या करेंगे, ज़रा देखो यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ∆P = लिखेंगे P2 माइनस, अब P2 की जगह लिखेंगे माइनस MB2 माइनस MB1, माइनस ले लो बाहर, एम भी बाहर ले लो, तो बचेगा B2 प्लस, अब ये न्यूट्रल लंब भी चल के मिलेगा। अब बताओ, अब माइनस से कोई मतलब नहीं है, मॉड ले लो, मास कितना दिया गया बताओ, कितना दिया है 2 kg, और B2 कितना निकाले हो 30, B1 कितना है 40, तो कितना आया kg मीटर पर। अब उतार के तुम लोग जो है एक्सीलरेशन ये सब निकाल के दिखाओ क्या आ रहा है।
ठीक। इधर देखिए, अब बताओ बी पार्ट आपका है एवरेज एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा वी टू माइनस अपान, अब बी टू बताओ कितना है, तो यहाँ भी माइनस 30 यूज, हर वेक्टर की बात हो रही है। बी वन कितना है, और टी टू माइनस टी वन में क्या लोगे। अब ये जो कोलिजन टाइम है, कोलिजन टाइम हमारा कितना है, 2 सेकेंड। ऊपर वाले टाइम से मतलब नहीं है, कोलिजन टाइम जैसे टकराया तो टकराने में 2 सेकेंड ले रहा है, इसका मतलब कि टी टू टू हुआ और टी वन हमारा 0 हो जाएगा। हमारी बात समझे, जो पहले वाला टाइम उसे नहीं मतलब है, कोलिजन टाइम की बात हो रही है। अब जैसे कोलिजन टकराया, टकराना उसको हमने 0 मान लिया, और टकराते टोटल टाइम कई सेकंड ले रहा है, 2, इसका मतलब टी टू टू हो गया और टी वन हमारा 0 हो गया। तो कुल मिला डेल्टा टी हम सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं 2, तो कितना आ जाएगा माइनस, और क्या है एवरेज फोर्स। अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला अभी आगे पढ़ोगे, ये क्या हो जाएगा, यही निकाल लो, मास इनटू एक्सीलरेशन कर दो, या ये भी कर डीपी बाई डीटी कर सकते थे। तो बताओ मास कितना दिया गया है और एक्सीलरेशन हो गया 30, तो 70, तो उतार डालिए। बाकी ये जो कर प्लाट करना है ये तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाएगा ये, और जिनको पूछना होगा अलग से पूछेंगे, एनसीईआरटी में है ये आपका। दूसरी वाली ले हो जाती है, हो गया। ठीक, ओके। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता रहता है, मतलब कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ऑफिस में, जो हाँ सेकंड ऑफिस में जो रखी है सेकंड, हाँ यही है, सेकंड लाओ सेकंड। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन ये है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इन व्हिच द लेवल ऑफ द वाटर इज एच मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वेल इफ द वी इज वेलोसिटी ऑफ द साउंड द टाइम टी आफ्टर व्हिच लेफ्ट हर्ड बाय गिवन। मतलब क्या हुआ, कोई कुआं है, कुएं में ऊपर से कोई स्टोन गिराया जा रहा है, तो स्टोन जब गिरेगा तो उसकी जो आवाज़ है, किसकी, पानी में जो गिरने की छपाक की आवाज़ है, वो सुनता है 30 सेकंड के स्टोन के गिरने और सुनने दोनों का टाइम क्या हो, कैपिटल टी है। तो कह रहे हैं टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, क्या किया हमने, एक स्टोन गिराया, अब 10 बजे गिराया, जाके टकराया, और 11 बजे आवाज़ हमने सुनी, तो ये जो 11 मतलब 1 घंटा लगा, वही 1 घंटा हमारा क्या है, टी है। तो वही टी निकालना है, इसका मतलब ये टी हमारा 2 तरीके का हो गया, एक हो गया स्टोन के गिरने का टाइम और एक हो गया साउंड के आने का टाइम। 2 अलग अलग पार्ट में करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट का मामला अलग अलग है, एक में स्टोन का चल रहा है मामला और एक में साउंड का चल रहा है, तो 2 टाइम हम निकाल लेंगे, वो दोनों टाइम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए
ये देखो ये पूरी हाइट एच ले लिया, यहां से स्टोन गिरा तो यू की वैल्यू क्या ले लिया। तो पहले तो हम यही निकाल लेते हैं, ये टाइम हम टी वन ले ले रहे हैं, ठीक। अब बताओ टाइम निकालना है, हाइट दिया गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें से। क्लियर हो गया, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी, तो एच यू की वैल्यू जीरो, हाफ जी टी वन स्क्वायर, तो टी वन की वैल्यू यहां से क्या हो गया, अब हम आ जाते हैं फॉर साउंड। साउंड के लिए आते हैं, अब साउंड का क्या कहानी हो रही है, यहां से साउंड सीधे ऊपर आ रही है, ठीक, यहां पे जो है। अब बताओ साउंड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला, हाइट हमें दिया गया है, टाइम टी टू हम ले ले रहे हैं, ठीक, यहां से यहां तक टाइम हमने क्या ले लिया, टी टू। अब बताओ साउंड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्यों, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, याद किया रहना, मात्र एक फॉर्मूला काम करता है, v इज इक्वल टू, जब वेलोसिटी वेरिएबल होती तभी इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेगा, अदरवाइज v इज इक्वल टू, तो साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, v इज इक्वल टू, तो b की जगह b ही रखो, d की जगह h रखो, t की जगह t2 रखो, तो t2 इज इक्वल टू क्या हुआ, h अपान b हुआ। अब टोटल टाइम टी दिया है तो इसको हो गया टी वन प्लस, तो टी वन की वैल्यू बोल दो टू एच अपान जी, और ये क्या हुआ, यही आंसर हो गया आपका। क्लियर हो गया सबको, उधार डालो। बोलो हो गया, चलिए क्वेश्चन है, फ्रॉम अ टावर हाफ हाइट एच पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स टू रीच द रिलेशन बिटवीन यू, ठीक है।
क्वेश्चन है फ्रॉम टावर हाइट एज पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रोजेक्टाइल में हम डिस्कस करेंगे और इस पर एक क्वेश्चन आपकी आया हुआ है। ठीक, इधर देखिए, ये मान लो हाइट एज है ये, ठीक, जैसे मान लो छत पे खड़े हुए हो, अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ खड़े हैं फेंकते थे और यहीं आके गिरता था। अब हम ये कह रहे छत पे खड़े हो और छत से तुमने क्या किया, ऊपर फेंका और ऊपर से जाके नीचे गली में गिरा, छत पे नहीं गिरा, गली में नीचे ग्राउंड पे जा गिरा, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये मान लो यू वेलोसिटी तुमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, दो मेथड हमारे पास, एक तो ये हो गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालो, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालो, फिर ये टाइम निकालो और दोनों टाइम क्या करो, ऐड कर दो, वो लंबा प्रोसीजर है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सीधे सीधे हम लगा दें h इज इक्वल टू, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। ये प्लस इसलिए हुआ नीचे के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं इसलिए प्लस है, और माइनस इसलिए यहां पर हो रहा है कि फेंक कहां रहे और कंसीडर कहां कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हम ऊपर की ओर फेंके कंसीडर नीचे की ओर कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू क्या ले लिया हमने, माइनस ले लिया, तब भी आपका टाइम वही आएगा। दूसरा, यदि हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस, अब जब माइनस के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस पर क्वेश्चन अब कि आपका नीट में आया था, तो ये अब अभी इसको हम और आगे जो प्रोजेक्ट टाइम चलेंगे तो वहाँ और डिटेल ले करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया तो यहाँ हम ले लेते हैं। ठीक, अब अपने टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि टावर जो है वो हाई टेच है, ये टावर हो गया आपका, इसकी हाई टेच दी गई है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, चलो ठीक है, ये यू से प्रोजेक्ट कर दिया गया ऊपर की ओर, तो नेचुरल सी बात है ऊपर जाके कहाँ आएगा, नीचे आएगा। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, क्या मतलब है इसका, इसका कोई मतलब बता सकते हो, क्या कहना चाह रहा है, अरे यार इसका हिंदी में बता दो क्या कह रहा है। अच्छा चलो, इतना पार्ट वाइज बता दो, यहाँ देखो टू हिट द ग्राउंड, यहाँ देखो एन टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन बाय इट टू रीच द, इसका क्या मतलब हुआ है, कौन सा टाइम की बात कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि नामकरण हम कर दें इसका ए बी सी और डी, तो इस टाइम की बात कर रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ। अब दो टाइम समझो ध्यान से, एक टाइम तो हो गया यहां से चला और यहां आके टकराया, वो टाइम हम टी वन मान ले रहे हैं, और दूसरा टाइम करें जो हाईएस्ट पे गया यहां से, इसको हम मान ले रहे हैं टी टू मान ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि टी वन इज इक्वल टू, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो फिर से समझो, यहां लैंग्वेज पकड़ो, देखो ध्यान से, यहां तक कोई प्रॉब्लम दिमाग लगे, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड हमने टी वन ले लिया, यहां से गया और यहां आया हमने टी वन ले लिया, इज एन टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स, तो यहाँ जब फेंकेंगे यही तो हाईएस्ट होगा, जहाँ पर लौटेगा, जहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, वही हाईएस्ट पॉइंट हुआ इसका। तो टी वन इज इक्वल टू एन टी टू हो गया, इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अब हमें टी वन टी टू की वैल्यू उठा कर रख देनी है बस,
ग्राउंड आपका बन गया क्वेश्चन का। अब बताओ T1 कैसे निकालोगे, ये बता ही चुके हम आपको। तो कैसे यहाँ पर T1 की वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, H इज इक्वल टू माइनस UT1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर, ठीक। और अब इसके लिए BCC के लिए बात कर रहे हैं हम, अब BCC के लिए बात करो, BCC कैसे निकालोगे बताओ यहाँ से यहाँ तक। वहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, हाइट हमें मालूम नहीं है, हाइट हमें मालूम नहीं है, हमें U मालूम है, हमें B जीरो है। अब बताओ ये डाटा देख के कौन से इसमें यूज करोगे, पहला वाला यूज करेंगे, हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम यूज करेंगे बी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस, तो बी की जगह क्या रखा, यू की जगह, अच्छा प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, अबे प्लस, क्योंकि ऊपर के लिए तो हम ले रहे हैं, यहां माइनस इसलिए कर लिए थे कि ये ऊपर जा रहा था लेकिन कंसीडर कहां कर रहे थे, इसलिए माइनस किए थे, लेकिन यहां तो हम यहीं की बात कर रहे हैं ना, यहां तो ऊपर ही जा रहा है, नीचे थोड़े आ रहा है। तो बताओ कि आप क्या कर लोगे, यहां क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। अब बताओ यहां प्लस की माइनस, यहां माइनस होगा, और यहां टी की जगह क्या करोगे, तो बताओ यहां से T2 वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो बता दो यहां से, तो T2 इज इक्वल टू, अब उतार के सॉल्व करो तुम लोग इसको, हाँ वही बॉल एक ही है, उसको कह रहे हैं ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे आ रहा है, अब ऊपर से नीचे आ रहा है वो टाइम पूरा T1 ले लिया, तो कह रहे हैं और ऊपर केवल जब जा रहा है तो टाइम T2 ले लिया, केवल ऊपर जाने का टाइम, जैसे ऊपर जाने का टाइम 2 सेकंड लिया, ऊपर से नीचे आने का टाइम 4 सेकंड, ये कहना चाह रहे हैं, वही पार्टिकल, पार्टिकल एक ही है, कहाँ पर निगेटिव कह रही हो, ये वाला नहीं, यहाँ हम कंसीडर केवल इतने पार्ट कर रहे हैं जिसमें ऊपर ही जा रहा है, ये यहाँ ग्राउंड की बात नहीं हो रही, सेकंड केस में यहाँ से यहाँ ही जा रहा है, नीचे की बात नहीं हो रही है, जो पहला केस था उसमें क्या हुआ, ऊपर जाके फिर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसलिए वहाँ माइनस किया गया है, और यहाँ वाले में केवल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है बस। अब बताओ सॉल्व कैसे करोगे इसको, बोलो कैसे करोगे, इधर देखो इस T2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो T1 इज इक्वल टू एन यू बाई, और इस T1 को यहां रख दो, एक जीस जी कैंसिल हो जाएगा, यहां से NU स्क्वायर कॉमन ले लो, अरे यार किस ब्रेन की हो।
एक बार हम सोचे थे इसको ना बताएं। चलो इधर देखो, फिर से देखो, एक बार दोबारा देखो, दोबारा हमारा मन हुआ तक रहने दे। इधर देखो, फिर से देखो, देखिए यहाँ से फेंका जा रहा है पार्टिकल एक ही, पहली बात तो, और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है पूरा, ये टाइम हमने T1 लिया, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या लिया, T2 लिया। क्वेश्चन में ये कहा गया कि T1 = NT2, इतना समझ में आएगी नहीं, आगे बढ़ें। अब मेन प्रॉब्लम हमारे पास है T1 और T2 की वैल्यू निकालना। T1 की वैल्यू निकालने का तरीका हमने आपको ये बता दिया, H = -UT + ½GT। यहाँ पर माइनस इसलिए कर रहे हैं कि हम कंसीडर डाउनवर्ड्स कर रहे हैं, और पार्टिकल कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने यहाँ क्या कर ले लिया, माइनस ले लिया। तो ये देखा गया कि यदि हम ये टाइम निकालते हैं तो टाइम हमारा सेम आता है, इसीलिए इसको यहाँ बना दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए हमने क्या कर लिया कि फार्मूला लगा दिया कि ये H = -UT1 + ½GT1² ये स्टेप समझ में आया, इसमें किसी डाउट हो तो बताओ, बोलो, ये वाला क्लियर हुआ। अब दूसरे पे आओ, दूसरा इतने पार्ट की बात कर रहा है केवल वो, कि हाईएस्ट पॉइंट जाने का। अब इतने पार्ट की बात कर रहा है, उसमें यू आपको दिया है, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्लियर हो गया। हाइट हमें पता नहीं है, हमें टाइम से रिलेशन हमें यू ओ बी पता है, तो कौन सी क्वेश्चन लगाओगे, B = U + -GT लगाओगे, बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, यू की जगह हमने यू रखा, ऊपर जा रहा है माइनस रखा, टी की जगह T2 रखा। अब बताओ इसमें क्या कौन सा डाउट हो बताओ, इस वाले में क्या डाउट हो रहा है, नहीं नहीं ये समझ में आया, यहाँ क्लियर हुआ, यहाँ से हमने T2 निकाल लिया, U/G हुआ, ठीक है। अब फिजिक्स का रोल ख़त्म हुआ, अब मामला आया मैथमेटिक्स का, जो तुम्हें नहीं आती है, ठीक, तो मैथमेटिक्स पे आते हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के पास हमारे पास तीन बातें हैं, 1, 2 और 3, ठीक। हमने देखा कि और कोई मेथड समझ नहीं आ रहा, पहले हमने क्या दिमाग लगाया कि T2 हम यहाँ रख दें, T2 यहाँ रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 मिल जाएगा, और उस T1 को हम उठा के यहाँ रख देंगे। बोलो, ये जो T2 निकाले हैं, इस T2 की वैल्यू, अब यहाँ तो T2 हमारे पास है ही नहीं है, तो यहाँ हम जा ही नहीं सकते हैं ना, तो हमने इस T2 वैल्यू कहाँ रख दिया, इसमें रख दिया। तो T2 जब यहाँ रख दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, T1 मिल गया, और जो T1 मिल गया तो T1 हमने इसमें पुट कर दिया। अब नहीं समझने के, पूरा समझाने दो, हाँ पूरा बताने दो। H = देखो, T1 की वैल्यू जब रखा, ये वाला रखा हमने, यहाँ रखो क्या आ जाए बताओ, NU/G आ गया, ठीक है। अब इस T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखो -U ऐसे रखा, T1 की जगह NU/G रख दिया, प्लस ये वही रहा, और इसकी जगह देखो NU/G का होल। अब आते हैं इसमें, देखो ये U/U मिल के क्या हुआ, U² हुआ, ये प्लस हो गया, G/2 हो गया, इसको ओपन करोगे तो N² U² / G², अब यहाँ पर देखो ये तो वैसे रहा आपका, ये N² यहाँ एक जी से एक जी क्या किया, काट दिया, NU² U² / 2G हो गया, ठीक। अब देखो हमने यहाँ, अब देखो N अकेला है तो N बाहर निकाल लिया, U² दोनों जगह है, U² बाहर निकाल लिया, G बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा हमारा क्या, -1, और यहाँ एक N निकल चुका है, एक N बचा तो N/2 हो गया। बोलो अब कहाँ तकलीफ है, अब उधर डालो। अंडर ग्रेविटी थोड़ा सा तकलीफ देती है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अभी ये 2-4 क्वेश्चन करोगे, इससे ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा आपका, फिर आगे अब एप्लीकेशंस में कहीं आएगा तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बस इतना इतना करना सीख लो कि तीनों ही क्वेश्चंस का वो कैसे लगाए जाते हैं, इतना आ जाए बहुत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको कायदे समझना सब लोग। इधर देखो, क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, यू इज इक्वल टू कितना दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, यहां से फेंका गया ये। ठीक, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये भी समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना ऊंचाई जा रही है, तो ये बताओ। अब यहां से देखो, यहां बना दे रहे हैं, ये हो गया आपका, ये पूरा कितना यहां से यहां तक है, 25 मीटर है। अब ऊपर फेंकोगे तो ये ऊपर जा से कहाँ आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हाइट हम एक्स ले लेते हैं, और ये फेंका जा रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। अब इसके लिए बताओ, हमें एक्स निकालना है, हमारे पास यू कितना दिया है, बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स हमें निकालना है। ये डाटा देख के कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अभी टाइम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है तो हमारे पास कौन सा बचा, थर्ड बचा, तो काहे नहीं कॉन्फिडेंस ला रहे हो। तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, अब बी की जगह क्या करोगे, यू की जगह क्या करोगे, ऊपर जा रहा है तो प्लस की माइनस, क्या मुनमुनाने लगते, अबे माइनस यार, तो कहे नहीं पूरा ढंग से कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं कर पाओगे। अब ये x, तो x वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 अपान कितना आया। अब ग्राउंड से हाइट पूछी जाएगी तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 45, और इस यहां से पूछा जाए कितना आंसर आएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। अब बताओ, टाइम निकालना है ग्राउंड में टकराने का, यही क्वेश्चन आया था, तो हमने इसीलिए यहाँ देखो सिमिलर लिख दिया था, ये बिफोर लास्ट ईयर फिर रिपीट हुआ है। तो अब हमने बी पार्ट करा, अब बता दो क्या लगाओगे, अब लगाओगे एच इज इक्वल टू प्लस हाफ, अब एच जगह क्या रखोगे, यही 25, तो 25 इससे नहीं मतलब है, इस हाइट से जहां से फेंक रहे हैं वो वाली हाइट लिया जाता है, माइनस यू, यू की जगह बताओ टी प्लस हाफ जी टी, अब सॉल्व करके बताओ तुम लोग कितना आ रहा है। टीक वैल्यू फाइंड करिए यहां से,
कितना आया? अब ये सब तो साल्व कर लिया करो, बोलो कितना हो जाएगा? देखो इधर 25 माइनस 20 प्लस 5, अब यहाँ 5 से कैंसिल कर दो, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू, सीधा चार लगा दो तो t इज इक्वल टू बोल दो क्या हो जाएगा, माइनस बी तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ए सी अपान 2a, 4 प्लस माइनस 20 और 16 36, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 6/2 तो 10। तो माइनस टाइम नेगलेक्ट कर देंगे, बोल दो ये समझ में आया कि नहीं? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अब यहाँ को आपको ये भी पता है कि कौन से एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सारे मैंने लिख दिए हैं बड़ी मेहनत से, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है कभी नहीं आया वो भी आपको पता चल, जो जिसमें नहीं लिखा समझ लो नहीं आया है आपका। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखो, क्वेश्चन ये है बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर हाइट एच, ध्यान समझिए ये एच हाइट से रिलीज की जा रही है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट टेक टाइम टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है वो कितना है, वेयर विल द बॉल आफ्टर टी बाई टू, मतलब जो है टी बाई टू टाइम में कहां पे होगी। अब देखिए पहला दिया इन्होंने एच बाई टू फ्रॉम द ग्राउंड, तो पहला तो दिमाग लोग यही लगाएंगे आधा समय है तो आधी हाइट होगी, तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी तो वेरिएबल है, जैसे नीचे जा रही है वैसे स्पीड क्या कर रही, बढ़ रही है, तो पहला तो ऐसे गलत हो गया। तो पहले तो ये निकालो कैसे करोगे, चलो बताओ कैसे करोगे, क्वेश्चन पहले समझो, हाइट एच से गिराई जा रही है, ग्राउंड तक आने का टाइम स्मॉल टी है, कह रहे हैं कि टी बाई टू टाइम में ग्राउंड से कितनी हाइट पे रहे। अब वहां क्वेश्चन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन में कहा देखो एच बाई टू फ्रॉम द ग्राउंड, एच बाई फोर फ्रॉम द ग्राउंड, ये दिया है ना, इसका मतलब हमें हाइट कहाँ निकालनी है, ग्राउंड से निकालनी है। कैसे निकालोगे इसे समझो यार, तुम लोग तो जैसे कह रहे दिमाग को जोरे नहीं देना चाह रहे हो, क्या हम कह रहे हैं समझो ध्यान से, यहां से गिर रहा हाइट एच है, टाइम टी ले रही है, कह रहे टी बाई टू टाइम में, टी बाई टू टाइम में, मतलब जैसे मान लो हम इसे बना दें ये यहाँ से ए बी सी, ये टाइम आपका टी बाई टू है, ठीक, तो इतने टाइम में कह रहे ग्राउंड से कितनी हाइट, अभी क्वेश्चन पहला दूसरा हमने आपको कराया है,
मतलब हमें ये निकालना है, ये इतना निकालना है, इसको वाई ले लेते हैं, ये हमें हाइट निकालनी ये वाली, तो ये हाइट कैसे निकालोगे? पूरी हाइट हमें क्या है मालूम है, कितनी है? एच है। बोलो, यदि ये हाइट मालूम हो जाए, यहां से लेकर यहां तक हाइट मालूम हो जाए, मान लो एक्स है, तो बताओ ये एक्स कैसे निकलेगा, ये वाई कैसे निकलेगा? पूरी हाइट में से इस हाइट को क्या कर दो। अभी इसके जस्ट पहले हमने क्वेश्चन आपको कराया है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें बताओ ये x कैसे निकालोगे, u की वैल्यू जीरो है, तो पहले हम बात करेंगे a से लेकर कहां तक का। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, तुम्हारे पास तीन हथियार हैं, जिसमें टाइम हो, जिसमें हाइट हो, कौन सा लगाओगे? सेकेंड लगाओगे तो h इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी, एच की जगह क्या रखेंगे, एक्स रख देंगे, यू की जगह नीचे आ रहा है तो प्लस हाफ जी और टी बाई टू का होल, तो हो जाएगा जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर टू जा एट। समझ में आया? अब आ जाओ वाई, वाई की वैल्यू अब हम बात कर रहे हैं बी से लेकर कहाँ तक का, तो बताओ वाई कैसे निकालोगे? एच माइनस, अब h तो हमने ऐसे रख दिया, और एक जगह बताओ क्या करोगे, जी टी स्क्वायर अपान, समझ में आया सबको? बोल दो। अब आंसर मैच कराते हैं, आंसर में कहीं तो दिख ही नहीं रहा इस तरह का, वहां तो कहीं t है ही नहीं है, वहां तो केवल h ही h है, तो इसका मतलब t नहीं आना चाहिए, रास्ता तो हमारा एकदम सही चल रहे थे हम, तो बताओ क्या करोगे टी को? टी हमें हटाना है, कुल मिला के ये है, टी कैसे हटेगा? दिमाग लगाओ, वहीं कहीं लगेगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ डालो, हमें टी हटाना है। नहीं, हमें फार्मूला ना बताओ, हमें ये बताओ कि टी हम कैसे हटाएंगे, कोई हिंट कहीं, क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ो पूरा कहीं है? अरे यार ये देखो, u इज इक्वल टू जीरो है, पूरी हाइट क्या है h है, पूरा टाइम क्या है, तो यहाँ से टी नहीं निकाल पाओगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ यहाँ से, h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी, तो टी की वैल्यू अंडर रूट क्या आ जाएगी, टू ये चपान, ये टी उठा के रख देंगे, बट्टी हट जाएगा। अरे कैसे डॉक्टर बनोगे यार, कोई जटिल बीमारी आ गई, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, पगलाए हुए हो? अरे दिमाग लगाओ, फिजिक्स जो अच्छी, जिसकी जो बेहतर डॉक्टर होगा जान लो उसकी फिजिक्स अच्छी रही होगी, क्योंकि ब्रेन इसी में यूज होता है। अब ऐसे झोला छाप बनना है तो कोई बात ही नहीं है, अरे दिमाग लगाइए आप। अब मान लो इसे ऑपरेशन करने गए, पहले एक्सरे किया कुछ और आया था, लेकिन अब खोला कुछ तो कुछ और निकल आया, तो अब वहाँ तो तुम कोई डिसीजन लेना है ना कि क्या करना पड़ेगा। अब गधा टाइप ब्रेन है तो बैठे रहो, इसे बांध बूंद के फिर वापस कर दो, दिमाग लगाया जाता है। इधर देखो, इस टी की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो तो हो जाएगा एच जी अपान एट अंडर रूट टू एच अपान जी का, जब होल स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट क्या हुआ, एच माइनस जी, और ये हो जाएगा आपका टू एच अपान एट और यहाँ जी स्क्वायर, तो एक जी से एक जी क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। जी बाई एट टी स्क्वायर करेंगे टू एच अपान जी, अच्छा तो ये जी से जी क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या आंसर आ जाएगा बता दो, ये आ जाएगा टू फोर जा थ्री एच बाई, तो ग्राउंड से कितना हो गया थ्री एच बाई फोर। बोल दो उधारो। अच्छा जो तुम्हारे यहाँ आए हैं वही वही करा दें, तुम लोग हिल डुल रहे हो ना,
बस इसी में थोड़ा दिमाग लगा लो, बाकी टॉपिक आगे बहुत इजी हैं। इसी में तुम लोग थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स का रस नहीं होता है इसमें, प्यूरी प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ, हाँ काफ़ी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रहेगी। तो बाकी जैसे अब आगे जहाँ फिजिक्स आने लगती वहाँ इजी पड़ जाएगा। दस तक पूरे करा देते हैं, इसके बाद जो आए हैं सिर्फ उनको करा देते हैं बस। ठीक, बाकी जिन जो करना चाहें करके पूछ लेंगे अपना। हो गया ना ये, बोलो। ओके, इधर देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है, सबसे पहले रुड़की में आया था, इसके बाद काफी रिपीट हुआ है और सेम आंसर आता है इसका। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इधर देखो, एकदम कूल माइंड होकर देखना, दिमाग लगाओ। स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इतना समझ में आया? तो यू क्या हो गया, ध्यान समझो, दिमाग कैसे, क्वेश्चन देखो कैसे पकड़ा जाता है, इसको ध्यान दो। फ्रॉम हाइट एच, ये भी हो गया, चलो। एंड इट ट्रेवल अ डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकेंड में, जो है पूरी डिस्टेंस का कितना चल रहा है, पूरी हाइट एच है तो लास्ट में कितना चल रहा है, 9h/25 लास्ट सेकेंड द वैल्यू ऑफ एच में निकालना है। तो ये बताओ पूरा टाइम, ये हमने टी मान लिया तो लास्ट सेकेंड टी एच सेकेंड हुआ, तो ये कहना चाह रहे हैं ये कि एच टी जो है वो 9/25 इंटू एच है। टी वन सेकेंड की हाइट का हमने नाम दे दिया एच टी, यही कह रहे हैं। देखो यहां देखो, इट ट्रेवल डिस्टेंस 9h इन द लास्ट सेकेंड, जो लास्ट सेकेंड वर्ड आया है वही एच टी को बता रहा है। टी वन सेकेंड, लास्ट सेकेंड, दोनों मतलब एक ही तो हुआ। वो कह रहे हैं कितना चल रहा है पूरी हाइट का, 9/25, पूरी हाइट हमारी कितनी है, एच है, उसका इतना पार्ट चल रहा है। अब बता दो कैसे करोगे। अच्छा, ये समझ में आया लैंग्वेज, ये वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आया कि टीवे सेकेंड की जो हाइट है, लास्ट सेकेंड की जो हाइट है, लास्ट सेकेंड की हाइट कौन सी हुई, देखो पूरी हाइट, देखो यहां से लेकर यहां तक ये हो गई, ये मान लेते हैं, ये इसकी बात करें, ये जो हाइट हो रही है इस पूरी हाइट की कितनी है, 9/25। ग्राउंड क्लियर हुआ? अब तुम्हें क्वेश्चन करना है, अब क्या करोगे ये बता दो। अभी क्या करोगे इसमें, अब इसमें हम एच रखेंगे और क्या रखेंगे, एच टी रखेंगे और क्या करेंगे भाई, एच और क्या रखेंगे, एच टी रखेंगे। एच टी का फॉर्मूला बताओ, क्या लगाओगे, एच टी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस टू टी, यू की जगह जीरो, नीचे आ रहा था क्या लोगे, प्लस जी बाई टू टू टी माइनस। अब मामला फंसा एच पर, एच का भी निकालो, एच वाला, एच वाली हाइट जो है टी सेकेंड वाली हाइट है
और एच टी जो है वो टीवें सेकेंड वाली हाइट है। तो अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बोलो, यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी, तो एच यू की वैल्यू प्लस हाफ, बस इतने करना है। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताओ, एच निकाल लिया और क्या निकाल लिया, एच टी निकाल लिया, यही तो कर सकते और क्या कर ही सकते थे, यही तो हम कर सकते थे। अब इन दोनों वैल्यू रख के सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ टी का, निकालो सब लोग। हमने सब बहुत छठे छठे क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं, हमने कहा जो बेसिक क्वेश्चन क्या रखे उनको, उसमें इसमें सब आ जाएंगे, लेकिन इसमें देखते हैं हिलने लगते हो, वाइब्रेशन आ जाता है तुम लोगों में। बस दो क्वेश्चन और झेल लो, इसके बाद आ जाते हैं। कितना है बोलो, इधर देखो एच टी यहां रख दो, कितना है बताओ, ये जी बाई टू से जी बाई टू क्या हुआ, और ये 25 से मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना आया, इसको सेट करो टी स्क्वायर, अच्छा 9 भी, हाँ यहां पर 9 रहेगा, ठीक बोलो। अब ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे सीधे से 4 लगा दो, और चाहे ये कर सकते हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और उन दोनों का सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, कितना हो जाएगा बताओ, 90 स्क्वायर माइनस है 45 माइनस, जिसको ये मेथड ना आता हो वो क्या लगा देगा सीधे धरा 4। अब बताओ यहां से 90 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, माइनस 5 कॉमन ले लो, ये 9th क्लास में किए होगे, हाँ ये 5, ये 5 है ठीक। तो क्या हो जाएगा, t माइनस 5 एक ब्रैकेट में हुआ और 90 माइनस 5 एक ब्रैकेट में हुआ, यहाँ से t की अभी t माइनस 5 यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, अब 5/9 बहुत नेग्लेजिबल वैल्यू, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब उतारो इसको,
बस दो क्वेश्चन और थोड़ा बर्दाश्त करो फिर आ जा रहे। कितना जाएगा? अब हाइट तुम्हें निकालना था, तो हाइट कैसे निकालोगे बोलो? H इज इक्वल टू हाफ जी टी, तो कितना आएगा? 125 आ जाएगा लगभग। लेकिन जो क्वेश्चन आता वही आता था, टाइम ही पूछा जाता है कितना, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। चलो तुम अपने लेवल पे आ जाओ, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे यार। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इलेवेंथ क्वेश्चन, बाकी इनको जो पूछना होगा अलग से पूछ लेना, उस अभी बताएंगे वो एकदम पगलाने लगोगे फालतू क्या। ये वाला क्वेश्चन नंबर करो 11। ये वाला करिए, चलो बताओ। अ बॉडी ड्रॉ फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फॉल 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज, निकालो सब लोग इसको। ड्रॉ फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ड्रॉप किया जा रहा था, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब कह रहे हैं कि लास्ट 2 सेकेंड में कितना चल रहा है, ये 40 मीटर हाइट निकालना है, कैसे करोगे बताओ? कोई बता सकता है? फिर से क्वेश्चन समझो, क्या कह रहे हैं? बॉडी ड्रॉ फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रो 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, लास्ट 2 सेकेंड में कितना चल रहा है? 40 मीटर चल रहा है। मतलब मान लो पूरा यहाँ से यहाँ तक टाइम टी ले रहा हो ये, तो लास्ट 2 सेकेंड ये हो गया ये, ठीक। इसमें जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? 40 मीटर चल रहा है, कैसे करो क्वेश्चन को? बोलिए कैसे करोगे? ये आपको हाइट दी गई है 40 मीटर, ये बोलो, तो ये बताओ ये वाली हाइट कितनी बचेगी? h माइनस, इसमें टाइम कितना लेगा? जरा दिमाग नहीं लगा रहे हो यार, फॉर्मूला यूज करोगे h इज इक्वल टू बोलो यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी। एच जगह क्या रखोगे, u की जगह क्या रखोगे, प्लस हाफ जी टी की जगह क्या रखोगे, का होल, तो और सॉल्व कर लिया हमने जी टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टी, ये हो गया एच माइनस। हमें निकालना क्या है? एच निकालना है, तो टी हमें हटाना पड़ेगा। टी कैसे हटाओगे? पूरे हाइट का टाइम कितना ले रहा है वो,
तो क्या लगा दो, फिर से लगा दो, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी, तो h इज इक्वल टू यू की वैल्यू प्लस हाफ जी टी। अब तुम क्या करो, टी की या अभी इन दोनों को सॉल्व करना, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, ये h यहाँ रख दो, t निकाल लो, जो t निकल आए तो क्या निकल आएगा, h निकल आएगा। उतारो पहले इनको, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। कैसे करोगे बताओ, एच यहाँ रखो, ये दोनों क्या हो गया, तो इसको इधर ले आओ, अब हाइट निकालना है तो ये टी की वैल्यू कहाँ रख दो, एच में रख दो। ठीक, अबे तो यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, इधर देखो क्या गड़बड़ हो गया है, ये ब्रैकेट लगाए नहीं थे, ये क्लियर हो गया, देखो ये टी माइनस टू होल स्क्वायर खोला ना, ये हो जाएगा हाफ, एक मिनट ये इसे रहने दो, दूसरा वाला क्या था, जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ना, ये सेकेंड था, इसको उठा के यहाँ रख दो, अब इसको ओपन कर दो,
ठीक, हाफ जी टी स्क्वायर क्या हुआ, ये कितना आ जाएगा बताओ, 10 ले लो, 5 20, और ये बताओ 2 20 थी। अब बताओ टिक वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना हो जाएगा, ये इसको इधर ले आओ, -60, तो t इज इक्वल टू कितना आया, अब रख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब इसको तुम लोग अपना करना, हम आते हैं सीधे इंक्लाइंड प्लेन, बहुत ज़्यादा उलझेंगे तो पगला जाओगे भी बिना मतलब का। ओके, हो गया ना, बोलो। अब आते हैं हम लोग, ये पढ़ते हैं सीधे इंक्लाइंड प्लेन, पहले पढ़ लेते हैं। मोशन अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, चलो इसको देखो, ये एंगल आपका थीटा है, ये हाइट एच ले लिया, यहाँ कोई बॉडी ये है, तो बताओ एम जी कहाँ काम करेगा, ये थीटा ज्योमेट्री से ये भी क्या होगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, अभी आपको मिलता रहेगा, ध्यान दे रहा करना, रिएक्शन कहाँ लगता है, ऊपर की ओर, इसको लाने वाला फोर्स कौन सा है बताओ, तो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा वो क्या है, एम जी, तो बता दो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपान, तो बताओ आंसर क्या आया। आपको आपको ये याद करना है कि जैसे इंक्लाइंड प्लेन आपका है ये, ठीक, ये एंगल आपका थीटा है, कोई बॉडी जो है ऊपर जा रही, इधर को जा रही है, तो ए इज इक्वल टू -g sin थीटा, और कोई बॉडी नीचे को आ रही है तो ए इज इक्वल टू +g sin थीटा, जैसे हम g को लेते थे, नीचे जा रहा है तो प्लस, ऊपर जा रहा है तो, बस वैसे g sin थीटा आपका हो जाएगा। ठीक, कि बॉडी जो है नीचे आ रही है तो g sin थीटा, ऊपर जा रही तो, और ये ध्यान दे रहा है थीटा हमारा बेस एंगल होता है, मान लो एंगल यहाँ दिया जाएगा, मान लो ये 30 डिग्री है, तो क्या होता है, ये तो 90 हो गई होगा, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तीनों का सम 180 होगा ना, तो यहाँ से निकाल लिया करना, मतलब बेस एंगल होता है हमारा। अब ये फार्मूला आपको मिलता रहेगा कि बॉडी जो है डाउनवर्ड जा रही है तो हम लेंगे ए इज इक्वल टू +g sin थीटा, अपवर्ड जा रही है तो क्या लेंगे, ए इज इक्वल टू -g sin थीटा। अब इसी पर हमें काम करना है, अब देखिए इस पर एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको समझ लें तो आगे चल रहे हैं। हम लोग निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं ये ऐसे, ये बॉडी इधर को ऐसे ऐसे इधर को आ रही है, और यहाँ u इज इक्वल टू 0 लिए हैं, और फिर वही बॉडी हम डाउनवर्ड्स नीचे को गिरा रहे हैं, इसके लिए भी यू की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ये नाम ए दे दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, यहाँ पर जो वेलोसिटी हम मान रहे हैं B1 आती है, और यहाँ जो ग्राउंड पे वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, B2, ये हाइट एच है,
और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया, ठीक। अब बताओ ए से बी की बात करते हैं हम लोग, ए टू बी। अब आपको डिस्टेंस दिया है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया है, हम बी निकालना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी। बी की जगह हमने बी वन कह लिया, यू की वैल्यू प्लस टू जी, और एच की जगह क्या लेंगे? एक्स लेंगे। हम इस एक्स को हटाना चाह रहे हैं, कैसे हटाएंगे? साइन थीटा का हेल्प ले लेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान, तो यहाँ एच अपान क्या हो जाएगा? तो बोल दो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एच अपान साइन, इस एक्स को यहाँ पुट कर दो तो बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच अपान साइन थीटा। तो बताओ बी वन क्या हो जाएगा? अंडर रूट टू जी एच, अभी कहाँ चले गए हम, रुको, टू जी बी स्क्वायर इसको टू जी एक्स हो गया और साइन थीटा आपका हो गया एक्स की वैल्यू आ गई एच अपन साइन थीटा। चलो अभी रहने देते हैं, एक मिनट, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आ गया बी वन बराबर अंडर रूट टू जी एक्स। अब हम यहाँ की बात करते हैं ए से लेकर कहाँ सी तक का, तो ए से सी तक फिर लगाओ बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस, तो बी टू स्क्वायर यू की वैल्यू प्लस टू जी एस, तो बी टू बराबर अंडर रूट क्या आया? अब इधर देखो इसको, मैं कहाँ गड़बड़, ओ ये बताओ कि इनक्लाइन प्लेन आ रहे हो तो यहाँ क्या लगाओगे? बोलो जी इंटू एक्स। अब इधर देखिए साइन थीटा की वैल्यू यहाँ बताओ क्या हो जाएगा? एच अपान, यहाँ वैल्यू रख दो तो बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच अपान एक्स इंटू एक्स, एक्स क्या हुआ तो बी वन की वैल्यू बोल दो क्या आ जाएगी? क्या समझ में आया ये? बोलो क्या समझ में आ रहा है? दोनों की क्या क्या स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड सेम होगी। मतलब एक बॉडी को हम उसी हाइट से गिराते हैं और एक ऐसे स्लिप करके आती है, तो ग्राउंड में जो आएगा दोनों की स्पीड क्या होगी? लेकिन वेलोसिटी सेम क्यों नहीं सेम होगी? डायरेक्शन बदल जा रहा है, डायरेक्शन बदल जाता तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिला कि जब जो है एक ही हाइट से एक बॉडी जो है वो स्लिप कर रही है और एक बॉडी डायरेक्ट अंडर ग्रेविटी गिर रही है, तो दोनों का ग्राउंड में जो स्पीड होगी वो क्या होगी? लेकिन वेलोसिटी सेम क्यों नहीं सेम होगी? क्योंकि डायरेक्शन बदल जा रहा है। इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे ही आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैग्नीट्यूड बदल जाएगा लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, बस कॉन्सेप्ट याद करना, इसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ प्रूव करके हम दिखा दे रहे हैं कि ताकि याद रहे आपको। अब हम टाइम पे आ जाते हैं, ये एक बॉडी ऐसे गिर रही है, एक इधर को जा रही है, दोनों के लिए यू की वैल्यू क्या है? इसको नाम ए दे दिए, इसको नाम बी दे दिए, इसको नाम सी दे दिए, ये एंगल आपका थीटा है, ये हाइट एच है, ये एक्स है, और ये मान लो टाइम यहाँ तक आने का पूरा टाइम ये हम टी वन ले रहे हैं, इसको पूरा आने का टाइम हम क्या ले रहे हैं? चलो बताओ
हम बात करते हैं ए से लेकर कहाँ तक का, बी तक का। अब टाइम की बात आ गई, डिस्टेंस की बात आ गई, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अब एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी, एच की जगह क्या लिखोगे, यू की जगह क्या होगा, नीचे आ रहा क्या लोगे, तो हाफ जी की जगह क्या लोगे, जी साइन, और टी की जगह टी वन का स्क्वायर। इंक्लाइंड प्लेन है इसलिए जी साइन थीटा काम करेगा, और यहां से टी वन की वैल्यू बोल दो क्या आ जाएगी, टी वन इज इक्वल टू आ जाएगा 2x अपान जी का अंडर, अब फिर ये x हटाना चाहते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, h अपान, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, h अपान साइन, इस x को यहां रख दो तो t1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू एच अपान जी साइन स्क्वायर, तो t1 की वैल्यू क्या हो गई, वन अपान साइन थीटा अंडर रूट टू एच अपान। अब टी टू निकाल लो, टी टू हम बात करेंगे अब ए से लेकर कहां तक का, बताओ अंडर ग्रेविटी आ रहा है, फॉर्मूला वही यूज करोगे, यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी, एच रखो यू की वैल्यू हाफ जी और टी टू, तो टी टू बराबर क्या हो गया, अंडर रूट टू एच अपान। अब इनको इनको समझो, ये 2h अपान जी किसके बराबर है, तो t1 इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा इंटू टी टू, या इसको ये भी लिख सकते हो कि t2 अपान t1 इज इक्वल टू, अब बताओ ये t2 t1 में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, साइन पर, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितने पर होती है, 90 पर, 90 की वैल्यू क्या होता है, वन, यदि ये 90 डिग्री हो जाता तो दोनों वैल्यू क्या होती, सेम होती, मतलब ये थीटा हमारा 90 हो जाता, 90 हो जाता मतलब दोनों की हाइट क्या हो जाती, सेम, ऐसे दोनों गिर रहे होते तो दोनों का टाइम क्या होता, सेम हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो साइन थीटा है वो यहां इस केस में हमेशा एक से क्या होगा, कम होगा, एक एक के बराबर तो होगा नहीं, एक होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो एक से हमेशा कम होगा, जो हमेशा कम होगा तो T2 अपान T1 भी लेस देन क्या हो, लेस देन क्या होगा, तो बताओ T2 लेस देन क्या हुआ, T1 बोल दो, T2 लेस देन क्या हुआ, तो बता दो किधर टाइम ज्यादा लिया, इधर का टाइम ज्यादा होगा इधर का टाइम। अब ये दो कॉन्सेप्ट आप याद किए रहिएगा बस, असर्शन रीजन भी आ सकता है ये, वैसे भी आ सकता है, ठीक, तो क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि इंक्लाइंड प्लेन पे टाइम ज़्यादा लेगा और अंडर ग्रेविटी वर्टिकल हाइट में टाइम कम लेगा, और दूसरी बात हमने क्या बताया कि स्पीड दोनों की क्या होगी, सेम होगी, लेकिन वेलासिटी क्या होगी, और वेलासिटी अलग क्यों होगी, इसलिए होगी कि वेलासिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, अभी जल्दी में ये पूछे कहीं गए थे, बाकी इसको डेरिवेशन दोबारा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब हम दूसरी चीज़ आते हैं, बाकी इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आगे वर्क डन वगैरह हम थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी बस। अब आते हैं हम लोग नॉन आइडियल मोशन, नॉन आइडियल, अब ये नॉन आइडियल मोशन क्या होता है इसको समझो, मोशन जो किसी मीडियम में होता हो, जैसे लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, एयर में हो, वो सारे के सारे क्या कहे जाएंगे, नॉन आइडियल कहे जाएंगे, ठीक। तो नॉन आइडियल मोशन के लिए हमें करना क्या होता है, जी काम नहीं करेगा, बार बार मैं बता चुका हूँ, जी जो होता है केवल कहाँ काम करेगा, वैक्यूम में, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बॉडी या तो सीधे ऐसे छोड़ दो नीचे आवे, या तो फेंक दो ऊपर जाए, तभी जी वाला काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, किसी नॉन आइडियल के लिए हमारे पास दो स्टेप और बढ़ जाएंगे, पहला स्टेप होता है बी फाइंड नेट फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे,
कि यूज फॉर्मूला ए इज इक्वल टू एफ अपान एम, वी फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी, और जब एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा तो हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से बताओ हमने क्या बताया, पहला स्टेप क्या बताया नेट फोर्स, दूसरा स्टेप क्या बताया एक्सीलरेशन, और तीसरा स्टेप क्या बताया इक्वेशन ऑफ। भले ऐसे गिरा, अभी मान लो कोई बॉडी ऐसे ही ग्राउंड में से गिर रही है, किसी ब्लॉक में गिर रही है या जमीन के अंदर सैंड में जा रही है, तो वहाँ जी काम नहीं करेगा, वहाँ काम करेगा ए, और ए वो कैसे निकलेगा बताओ, पहले क्या करोगे नेट फोर्स, फिर क्या करोगे एक्सीलरेशन, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके लिए हम लोग आ रहे हैं पहले लिक्विड के लिए। अब ये आपको ये भी मिलेगा कि मोशन ऑफ बॉडी इन, अब इसको पहले समझो ध्यान से, पहले आर्किमिडीज के पास आ जाते हैं, इनकी जरूरत यहां पे है। चलो इन्होंने क्या बताया था बोलो, कोई बॉडी किसी लिक्विड में पार्शली फुली इमर्ज है जिसका डेंसिटी रो है, इसका सिग्मा है, तो क्या होता है बताओ, क्या होता है। आर्किमिडीज क्या कर रहे थे, नहा रहे थे टब में और ऐसे चिल्लाते हुए भागे, क्या कहते हुए यूरेका यूरेका, मतलब मिल गया मिल गया मिल गया, मतलब क्या हो गया, कुछ ही सोचे थे वो दिमाग में उनके आ गया। और क्या सोचे थे कि लिक्विड में वेट कमी क्यों हो जाती है, वही ये सोच रहे थे, वो इनके दिमाग में आता आ गई, नहाते समय आ गई। यहाँ आदमी दो चार गाना निपटा देता है तो साइंटिस्ट जो होता है, आता जाता कुछ नहीं लेकिन गाना ज़रूर गाएंगे, तो साइंटिस्ट क्या होते हैं, रात दिन उनके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है, इसीलिए कोई सपने में देख लेता है, कोई नहाते समय देख लेता है, ऐसे ही दिमाग में आ जाता है। तो इन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या ब्रेन में आया कि जब ये टब में नहाए तो इनको वेट में क्या हुई, कमी महसूस हुई। तो वो कमी, अब कमी तो दुनिया भर को महसूस होती है, कुएं से आप बाल्टी निकालिए, जब तक बाल्टी पानी के अंदर है तब तक आपको फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा, और जब आप पानी के ऊपर लाओगे बाल्टी को तो पूरी ताकत लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि किसी लिक्विड में जब हम किसी बॉडी को डिप करते हैं तो वो क्या करता है, उस बॉडी के बराबर, उस बॉडी ने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, उस लिक्विड का जितना वेट होगा उसी वेट के बराबर फोर्स कहाँ लगाती है, ऊपर की ओर लगाती है, इसीलिए वेट में क्या आ जाती, कमी आ जाती है। गांव में सुना होगा वो कोई गिरता है गंगा माई तीन बार ऊपर फेंकती है, तो गंगा माई नहीं फेंकती, फिजिक्स फेंकता है, ठीक, थ्रस्ट फोर्स काम करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जहाँ जो ना जानो वो वहाँ पर हम लोग अलग अलग, तो ये होता है थ्रस्ट फोर्स आपका काम करेगा। तो बता दो थ्रस्ट फोर्स ये हो जाएगा एम डैश जी, और ये जो एम डैश जी है इसको हम कहेंगे वेट ऑफ क्या, लिक्विड और डिस्प्लेस बाई बॉडी, बोल दो ये किसका वेट है बताओ, लिक्विड का है, कौन सा लिक्विड का है, जो बॉडी ने क्या किया हटाया है। जैसे तुम जो है तालाब में नहाने गए हो तो तुम्हारे बॉडी ने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उतने कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। एम डैश क्या है बताओ, एम डैश बोलो, मास ऑफ लिक्विड और डिस्प्लेस बाय मास इज इक्वल टू होता क्या बताओ, वॉल्यूम इनटू, तो अब बताओ थ्रस्ट फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी। अच्छा रुक जाओ, यहाँ डेंसिटी ये नहीं लेंगे, यहाँ डेंसिटी लेंगे, सिग्मा लेंगे, सिग्मा लेंगे, और इनटू क्या हुआ, ये आ गया। अब यहाँ बताओ वी क्या है, किसका वॉल्यूम है बोलो, वॉल्यूम ऑफ, होना तो चाहिए था लिक्विड का, लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये पेन हमने डुबोया, कितना लिक्विड हटा उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड क्या करेगी, ये डिस्प्लेस करेगी, इसलिए वॉल्यूम किसका लिया जाता है, बॉडी का।
और सिग्मा क्या है बता दो, डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड है। जी जान ही रहे हो। तो यहां से एक चीज यह आया कि थ्रस्ट फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उस पर थ्रस्ट फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन चौथे क्लास में पढ़े होंगे कि जो लोहे का कील डूब जाता है लेकिन लोहे का जहाज नहीं डूबता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या हो गया, डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी। तो ये आता है कि समुद्र में नहाना आसान है, नदी नालों में नहाना कठिन है। कठिन का मतलब क्या होगा, वहाँ डूबने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि समुद्र का जो है जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होगी थ्रस्ट फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा, तो डूबने के चांस वहाँ कम होंगे। और तीसरा डिपेंड करता है किस पर बता दो, जी पर। ये सारे काम वहीं होंगे जहाँ पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। वैक्यूम में आर्किमिडीज का कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, वही काम करेगा जहां पर आपका जी का काम होगा। तो एक चीज अब आपको मिलेगा, इसको याद किया जाएगा, थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, वी सिग्मा इनटू जी। अब देखिए लिक्विड में आते हम लोग, इधर देखो, ध्यान समझिए, ये कोई कंटेनर है मान लो, और ये लिक्विड है, ये कोई बॉडी है, और ये लिक्विड भरा हुआ है, ये सिग्मा है, ये रो है इसकी डेंसिटी। फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, एम जी कहाँ काम करेगा, और ये थ्रस्ट फोर्स कहाँ काम करेगा, बॉडी आ कहाँ रही है, तो बड़ा कौन हुआ, छोटा कौन हुआ, तो नेट फोर्स क्या हुआ, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस थ्रस्ट। अब बताओ थ्रस्ट फोर्स, अभी हमने उसको एम डैश इसलिए किया था, दो दो एम आ रहे थे ना इसलिए, तो इसको हमने लिखा एम जी, और इसको क्या लिखा एम डैश। यहां पर ये एम जी बताओ क्या है, वेट ऑफ लिक्विड नहीं बॉडी, एम जी क्या हो गया, वेट ऑफ बॉडी, और एम क्या है बताओ, मास ऑफ, एम डैश जी क्या है बताओ, बोलो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय, तो एम डैश बता ही चुके हैं क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय। चलो कैपिटल एम जो बॉडी का मास है उसको लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और एम डैश को लिखोगे वॉल्यूम इनटू, अब हमें यह बता दो मास बराबर होता वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, लेकिन दोनों वॉल्यूम हमने वी ही क्यों रखा, इसलिए कि लिक्विड का भी वॉल्यूम हम बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही मांग चल रहे हैं, तो दोनों केस में वी हमारा सेम रहा, लेकिन यहां पर डेंसिटी ये किसकी हो गई, बॉडी की, ये डेंसिटी किसकी हो गई, लिक्विड की। अब बता दो कि यहां पर नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, अब नेट फोर्स हमारा हो जाएगा एम की जगह क्या रखोगे, वी रो जी, इसकी जगह क्या रखोगे, बी सिग्मा जी। अब यहां से बी जी कॉमन ले लो तो रो माइनस क्या हुआ, नेट फोर्स निकल लिया। अब बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, अभी हमने क्या बताया, फोर्स अपान, तो वी जी रो माइनस सिग्मा, ये बॉडी का मास है तो बॉडी का ही रखेंगे सारा, ये इनटू वी से वी क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या आ गई, जी रो माइनस सिग्मा अपान, जहां पर रो बता दो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ, सिग्मा क्या है बताओ, डेंसिटी ऑफ, ठीक, बाकी ये जान ही रहे हो। अब जिसको इधर कुछ समझ में नहीं आया, कोई ज़रूरत नहीं, और समझ में आया हो तब भी और ना आया हो तब भी ये रटे रहना आपको, अब ये मिलता रहेगा। किसी लिक्विड में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बता दो क्या हुआ, जी रो माइनस सिग्मा अपान रो, क्या
क्लियर हो गया। कहीं लिक्विड में कहीं क्वेश्चन ऑफ मोशन या कहीं भी एक्सीलरेशन की जरूरत आपको पड़ रही है तो ये काम करेगा आपका। तो ए इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया बता दो, जी रो माइनस सिग्मा अपान रो। ठीक, तो आज हम लोग बस इतने से काम चलाते हैं क्योंकि आज तुम लोग बौरा ज्यादा गए हो। ठीक।